अमेरिका का सफल दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी इजराइल दौरे पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर पीएम मोदी 4 से 6 जुलाई तक इजराइल की यात्रा पर रहेंगे। आज तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल यात्रा पर नहीं गया है। ऐसे में पीएम मोदी की इस मुलाकात का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच किन किन मुद्दों पर बात हो सकती है, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव बीबाला भास्कर ने इस बात की जानकारी दी। इजराइल हैज एक्सप्रेस्ड इट्स ग्रेट विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इंडियाज फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया कैंपेन, क्लीन गंगा, स्मार्ट सिटी एंड डिजिटल इंडिया व्हिच आर ऑफ नेशनल प्रायोरिटी टू अस। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा को लेकर इजराइल में काफी उत्साह है। रविवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक महत्वपूर्ण बयान में कहा, अगले हफ्ते मेरे दोस्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। आज तक 70 साल के इतिहास में ये प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है जो इजराइल की सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक ताकत को दिखाता है। आशा की जा रही है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और कृषि के क्षेत्र में सहयोग सहित शोध के लिए साझा कोष और पर्यटन के क्षेत्र में एक दूसरे की मदद जैसे मुद्दे शामिल होंगे। मेक इन इंडिया के लिए इजरायली उद्योगपतियों को आमंत्रित करना भी प्रधानमंत्री मोदी का मकसद होगा। इजरायल में सिंचाई के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। इस तकनीक के आदान प्रदान पर भी प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के राष्ट्रपति रियोवेन रिवलिन से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही भारतीय समुदाय से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के आखिरी में मोदी इजराइल के हैता शहर में प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। NMF News की रिपोर्ट।